Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद बाहुबली माफियाओं पर लगातार शिकंजा कस रहा है और बाहुबली माफियाओं का उत्तर प्रदेश में जीना हराम हो गया है। जी हाँ, बात करें तो 2017 में सत्ता में वापस लौटने के बाद लगातार योगी सरकार और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का बुलडोजर और हंटर चलता नज़र आ रहा है और कई सारे गुर्गों को, कई सारे माफियाओं को और उनकी अवैध संपत्तियों पर खूब जो है वो कहीं ना कहीं बुलडोजर चला है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि योगी सरकार किस तरीके से माफियाओं के लिए काल बन गए और अब तक कितने लोगों को सजा दिलवाई है और कितने संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में भी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कदम बढ़ा रही है। बीते 6 माह में अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का दायरा और बढ़ा है। माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में और तेजी आई है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार अब सजा भी हो रही है। माफिया मुख्तार अंसारी सहित 36 माफिया और उनके सागिर्दों को आजीवन कारावास और 2 को फांसी की सजा हुई है। इस दौरान चिन्हित 62 माफिया की अवैध रूप से कमाई की गई लगभग 2200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त और ध्वस्त भी किया गया है। माफिया के 400 से अधिक सहयोगी गिरफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है बल्कि सजा भी करा रही है। यूपी पुलिस अभियोजन और शासन के समन्वय में कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर प्रदेश में सर्वाधिक माफिया और अपराधियों को सजा दिलाई है। इतना ही नहीं, सबसे कम उम्र में सजा दिलाने में भी उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। यूपी पुलिस ने माफिया गैंग के 860 सहयोगियों के खिलाफ 396 मुकदमे दर्ज कर 400 से अधिक को आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 174 पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर में 355 और 13 आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की है और 310 सशस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो लगातार बाहुबलियों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।